नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद्वान चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे जहां उच्च पद प्रभार प्रक्रिया प्रचलन है, जिसके तहत देखा जाए तो विभिन्न सब्जेक्ट की काउंसलिंग हो गई है और आदेश भी आना प्रारंभ हो गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी की काउंसलिंग होना शेष है। कई जिलों की बात करें तो वहाँ पर सामाजिक विज्ञान और हिंदी की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन विज्ञान के हमारे जितने भी शिक्षक हैं वह अभी भी बाट चोर है। बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान की अभी देखा जाए तो इंदौर संभाग में ही काउंसलिंग हुई है और वहाँ पर करीब देखा जाए तो 2009 तक के शिक्षकों को उच्च पद प्रभार मिला है। जहाँ देखा गया था पदक्रम सूची जारी की गई थी उज्जैन संभाग में 200 शिक्षकों की। यही देखा जाए तो जितने भी अन्य जो 8 संभाग हैं वहाँ पर भी बात करें तो काफ़ी मात्रा में पद रिक्त हैं और करीब 200 से लेकर के 400 तक शिक्षकों की पदक्रम सूची के तहत यानी पदभार दिया जा सकता है उच्च पद का। तो उसी के क्रम में अगर देखा जाए तो उज्जैन की हम बात कर रहे हैं, उज्जैन में विज्ञान की पदक्रम सूची फाइनल सूची जारी की गई है और इसमें अगर देखा जाए तो करीब 400 शिक्षकों को यहाँ पर जगह मिली है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2021 तक के शिक्षकों को लिया गया है और बड़ी आसानी से यहाँ पर भी उज्जैन में भी करीब 2014-15-16-17 तक के शिक्षकों को उच्च पद प्रभार मिल जाएगा। रही बात अब काउंसलिंग की कि काउंसलिंग कब होगी, तो देखते हैं कब तक काउंसलिंग होती है। हालांकि फाइनल सूची जारी हो चुकी है, तो अब अगला दूसरा नंबर आ रहा है इंदौर के बाद उज्जैन संभाग का। अब इसके बाद कौन से संभाग द्वारा काउंसलिंग कराई जाएगी और शेष सामाजिक विज्ञान और हिंदी की काउंसलिंग जो कि ग्वालियर जैसे विभिन्न संभागों में रह गई है, तो वहाँ पर की हम खबरें लेकर के आएंगे आपको अपडेटेड जानकारी। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।